देखिए यहाँ पर से अपन जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपन अच्छी तरह से सोचना चाहिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं, समझ के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हम कहाँ पर पैर रखेंगे, इससे पहले है ना सोचिए, सोचने के बाद है ना आगे से पानी जो रहता है पानी के हिसाब से आप पैर रखिए, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करिए। देखिए हम इधर पैर रखे ले अभी जाएंगे आगे, तो इससे अच्छा तो सोच के कुछ अच्छी तरह से निर्णय करेंगे तो ठीक है। यानी कि देखो इतना करीब से जाते हैं तो अपन ये जो पहाड़ी इलाका है इससे अच्छा तो अपन सोच समझ के कुछ सावधानी बरते। हम आपको बताने के लिए ये तो काम कर चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोच के काम करेंगे तो ये देखिए पानी में हम जा सकते हैं अभी, इसमें कुछ है कुछ नहीं है देख सकते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा अपन सोच के पानी में थोड़ा बहुत तो ठंडा करने के लिए जा सकते हैं अपन, इससे अच्छा जा सकते हैं आप। हम तो वहां का दलदल से आगे बढ़ चुके हैं अभी, इससे अच्छा हम चलते हैं अभी आगे, आगे का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये झाड़ में तो क्या है कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि अच्छी तरह से काम के आने के लिए कोई चीज रहेगा, इससे अच्छा अपन आगे बढ़ते रहेंगे। चलो हम आपको बताएंगे आगे क्या क्या है क्या नहीं है, दलदल इलाका है यहाँ पर तो बहुत डेंजर खतरनाक है, यहाँ पर एनाकोंडा भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं रह सकते, बल्कि अपन समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर इतना डेंजर इलाका है, यहाँ पर आगे जाने के बाद यहाँ पर भालू भी रह सकता है, यहाँ पर एनाकोंडा भी रह सकता है, इसे जहरीला जंगल कहते हैं इसको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप 10 बार सोच के आगे का कदम बढ़ाना चाहिए, आपको हम बताएंगे। चलिए आगे जा रहे हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं हम बताएंगे आपको, ये जो तिल बोल के कहते हैं इसको, ये खाने की चीज है, लेकिन हमको काम नहीं आएगा ये, अभी हमको आगे जाना चाहिए, इसको कुछ नहीं कर सकेंगे, आप रख देंगे। यहाँ पर सांप का घर है, यहाँ पर अंदर यहाँ पर तो हमें देखा था सांप कभी भी इधर आ सकता है जा सकता है, इससे अच्छा तुम सोचना चाहिए 10 बार सोचना चाहिए कि अंदर क्या रहता है, अपन खतरनाक एरिया में घुस गए अभी, इससे अच्छा तो आप आगे बढ़ना जरूरी है। चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इधर अंदर जाने से पहले हम बहुत आराम से जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ भी रह सकता है, कहीं भालू भी रह सकता है, इससे अच्छा आपको सोचना चाहिए कि आराम से जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चिड़िया का घर है, यहाँ पर चिड़िया आती है कभी अक्सर आके बैठती है, लेकिन बहुत खतरनाक चिड़िया है वो, क्योंकि पहला जो चिड़िया रहता है वो अच्छी तरह से काट भी ले सकता आदमी को, जहरीला चिड़िया होता है, इसलिए हम सोचना चाहिए 10 बार। ये देखिए इसमें इसका घर रहता है अंदर, यानी कि ये चिड़िया अंदर बैठती है इसमें, यानी कि इधर से उसके बच्चे को बिठाती है, इससे अच्छा ये बारिश के लिए नहीं लगना चाहिए बोल के उसने घर बना के रखा हुआ है, लेकिन सावधानी बरते आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम इसको इसी इधर ही रख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना जंगल है यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं तो कह सकता हूँ इससे बढ़िया जंगल कहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना खतरनाक भी है और इतना स्वाभाविक अच्छा है, कुदरत ने ऐसा बनाया है यहाँ पर जंगल। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ यानी कि एनाकोंडा मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, आप सोचिए 10 बार सोचिए, क्योंकि एनाकोंडा इतना खतरनाक होता है वो आदमी को भी निगल सकता है, लेकिन हम है ना सावधानी बरतने चाहिए और आगे जाना चाहिए आपको। है कावरी काटा, ये जो काटा रहता है चुभने के बाद इसका जो विषाणु अंदर खून में जाता है तो ना आदमी बेहोश भी हो सकता है, इसलिए हम इससे है ना सावधानी बहुत बरतना चाहिए। जो दिखता है आपको जो घर दिख रहा है झाड़ में वो कहीं का झाड़ है, लेकिन कीरोस बोल के पक्षी रहता है वहाँ पर, वो घर बनाया उसने, लेकिन अभी नहीं है वो फिलहाल बाहर गए, लेकिन उसका घर देखिए कितना बढ़िया बनाया उसने। लेकिन इंसान की भी सोच इतने बढ़िया नहीं रहते, लेकिन क्रिया पक्षी की तो बनाया घर बहुत बढ़िया बनाया। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए हम आपको बताएंगे शहद बोल के खाने का जो शहद रहता है वो मधुमक्खी इधर बैठे ले उसका घर बना है, लेकिन हम उसको खाने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन अपना काम चल जाएगा। ये देखिए इसमें दिखता है आपको पास, ये देखिए क्योंकि ये मधुमक्खी काट भी सकता है, लेकिन खतरनाक होता है उसका जहर भी, हम बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ना जरूरी चाहिए। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, आगे है ना आप जाएंगे आगे, आपको बताएंगे हम आगे कोई भी अगर देखिए यहाँ पर आगे हम जाएंगे तो उधर एक शेर का घर दिख रहा है हमको, लेकिन हम सोच के जाएंगे आगे, लेकिन मिला तो अच्छी बात है, हम आपको जरूर दिखाएंगे कि अंदर मिले के। यहाँ पर कोई है लगता है, हम आराम से जाएंगे आगे, शेर भी हो सकता है,
हम आपको दिखाएंगे शेर को, देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर खरगोश बैठा था, अभी भाग के गया, लेकिन हमारा आवाज सुन के वो चला गया। देखिए ये खरगोश का घर है, यहाँ पर बैठता था वो। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा यानी कि शहर के जंगल में रहता है, लेकिन हम आपको बता दें 10 मिलियन साल पहले यहाँ पर डायनासोर हुआ करता था। अभी वो डायनासोर का विलुप्त हो गया, अभी तो फिलहाल तो गिरगुट का उसके रूप में रहा रहता है, लेकिन डायनासोर बहुत डेंजर था वो सब।